गिफ्ट वन गुड मॉर्निंग। सो गाइस कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और ढेर सारा खुश होंगे। सो गाइस, मीनाक्षी की शादी के बाद से लगभग 3-4 दिन हो गए हैं, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, ना एडिट किया है, कुछ भी नहीं किया है। मतलब तबीयत इतनी डाउन हो गई थी कि कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। सो आज हमारे यहाँ हैं गौर जी। मतलब आज एक फाइनल पूजा होती है शादी के बाद, वो है। सो मैं आपको दिखाती हूँ, उसी की तैयारी चल रही है। सो ये देखिए, यहाँ पे बन रहा है खाना पीना उसके लिए। यहाँ पे क्या क्या बनेगा? पूड़ी, कचौड़ी, बेसन, चंदिया और भी ढेर सारी चीज़ें बनेगी। तो पूछते हैं अम्मा जी क्या क्या बनेगा। अम्मा जी क्या क्या बनेगा आज? बर्फी बन गई, रबड़ी बन गई, हलवा बन गया, पूड़ी बन गई, छड़ा मदरिया बन गए, चंदिया बन गई। बन तो नहीं, दाल तो रखी है, बनेगी बनेगी, सब काम हुए। चावल, बेसन, पूड़ी, कचौड़ी, रोटी। सो गाइस बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, चावल, रोटी, दलिया, चावल, रोटी, बेसन, सब्जी और मीठी पूड़ी, मीठी भुजिया, पता नहीं क्या वो, खट्टी पूड़ी तो गई नहीं होने की, अम्मा ही उल्लू बना रही है। अरे ये देखो रुद्र, अनंगू पंगू कहना है गाइस। एंड गाइस ये देखिए, यहाँ पे अम्मा जी बना रही हैं करी और यहाँ पे हो रही है पूजा की तैयारी। यहाँ पे होगी पूजा। सो यहाँ पे ये चटाई वगैरह लगा दी गई है और थोड़ी देर में सभी लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर पूजा होगी। भाभी नमस्ते, ठीक हो भाभी? हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। सो गाइस अभी सब लोग आ गए हैं पूजा के लिए और अभी थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट होने वाली है। बस मम्मी तैयार हो रही है, बाकी सब तैयार हो गए हैं। सो फिर पूजा स्टार्ट होगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे क्या होता है। और 4 दिन हो गए हैं मीनाक्षी को गए हुए, उस दिन से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, कुछ भी एडिट नहीं किया है, सारे वीडियोस काफ़ी लेट जाने वाले हैं अब। सो आज मैं कोशिश करूँगी वीडियो एडिट करने की। और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुँह ना इतना ज़्यादा कड़वा हो गया है, बहुत ज़्यादा कड़वा हो गया है और अजीब सा लगता रहता है और मन भी नहीं होता। 2-3 दिन तो ना बहुत ही बेकार गए थे, आज कल फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है। सो गाइस अभी पूजा स्टार्ट हो गई है और आज की पूजा में क्या होता है ना कि शंकर भगवान जी और पार्वती मैया बनाए जाते हैं मिट्टी के, और फिर उनकी पूजा होती है। जो भी खाना वगैरह बनाया जाता है उसका भोग लगता है, और फिर पता है क्या होता है कि ना, जो सारा खाना होता है उसमें से एक एक छोटा छोटा बाइट तोड़ के दुल्हन की मम्मी को दिया जाता है, और वो ना उनको चबाना नहीं होता है, डायरेक्ट निगलना होता है, वो भी बिना पानी से। सो ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी लग रही थी कि ना सब लोगों ने एक एक बाइट दिया और मम्मी को ना ऐसे ही निगलना पड़ा, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। और अभी सब लोग खाना खा रहे हैं और पता है क्या, कल हम लोग जा रहे हैं मीनाक्षी को लेने उसकी ससुराल। सो बहुत एक्साइटेड हैं हम सब लोग कि कल जाएंगे, मज़ा आएगा, देखते हैं कैसे क्या होता है। सो कल मीनाक्षी घर आ जाएगी और ये ना मीनाक्षी की पहली विदाई होगी।
डीजे पे तो जल लग गया मैं शरीर में को भी हवा कर दे डीजे हवा कर दे ताय शरीर में चलो ढोलक खींच के चले यार चलो चलो डीजे बजा ले रहे चलो अंदर अरे ना यही ले आए यही पे ले आए भाभी ताय ताय कर ना रे छत पे जा के कर ताय ले जा ना कर क्या आ रहा है फोटो आंगे अरे बुआ को फोटो चल ले लियो अरे बुआ ठीक है ठीक लो वही लो अरे चलो ठीक है ताई खड़ी है स्टार्ट करो अब आंटी पे कराओ भाभी आंटी पे एंड गाइस अभी बहुत हो गई मस्ती बहुत हो गया नाचना गाना और अभी बाकी के जो काम है वो किए जाएंगे सो अभी ये जो घड़ा है इसको सिराया जाएगा सो क्या होता है ना हमारे यहाँ जो ये घड़ा है इसको ना कहीं खेतों में आई थिंक रखा जाता है देखते हैं आगे कैसे क्या होता है मुझे भी इतना नहीं पता है और अभी अम्मा जी करके दिखाने वाली हैं एक जादू सो पता है क्या अम्मा जी बोल रही हैं कि ना जिस सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से अगर इस घड़े के ऊपर इस तरीके से हाथ रखो तो ये घूम जाता है और सच में ये घड़ा घूम रहा था मतलब हम लोग को ना यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में घूम रहा है सो आपको भी नहीं पता लग रहा होगा लेकिन ये सच में घूम रहा था और हम लोग को लग रहा था ना कि अम्मा जी हाथों से घुमा रही हैं लेकिन नहीं ये सच में घूम रहा था सो गाइस देखिए अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे खेतों में और यहाँ पे सारा सामान लाके रख दिया गया है जो भी मंडप वगैरह है या जो भी और भी कुछ सामान है वो सब यहाँ पे लाके रख दिया गया है और फिर इसकी पूजा कर रही हैं मम्मी ताई जी और घड़ा नहीं लाया गया है मुझे लगा कि ना घड़ा भी लाया जाएगा लेकिन घड़ा नहीं लाया जाता है घड़ा ना घर पर ही कहीं रख दिया जाता है सो अभी हम लोग पूजा करके आ गए हैं घर पर सो यहाँ पर बनाया जाएगा सात्विक और इसके बाद मम्मी ढोलक पूजन करेंगी मतलब ढोलक भी ना अब नहीं बजेगी
सो ऐसे उठा के रख दी जाएगी। सो यहीं पे ये वीडियो भी मैं एंड कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। सो गाइस आई जस्ट होप आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना, न्यू है चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।